अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हाँ जी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं कुर्ला स्टेशन के बाहर हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ का आप माहौल वगैरह देख सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों आज अपन चलने वाले हैं चिंदी मार्केट में, आपको वहाँ का माहौल वगैरह दुकानें वगैरह दिखाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है चिंदी का मतलब क्या होता है। चिंदी का मतलब मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, जो छोटे छोटे कपड़े के कतरन वगैरह होते हैं या मतलब जो उसका वेस्ट होता है वो मार्केट में बेचा जाता है, उसी को चिंदी कहते हैं। अक्सर दोस्तों आपने गाँव में सुना है चिंदी चोर है क्या रे, मतलब चिंदी है क्या, मतलब बहुत तरह के यार भाषा का यूज करते हैं चिंदी को लेके। तो मैं ऐसे ही नेट पे सर्च कर रहा था, मुझे चिंदी मार्केट नाम ही दिखा। मैं कहा यार क्यों ना आपको भी दिखाते हैं ये चिंदी मार्केट। स्पेशली दोस्तों ये कुर्ला का है चिंदी मार्केट, मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे इधर टिकट काउंटर वगैरह है, रिजर्वेशन काउंटर वगैरह दोस्तों सामने की तरफ है, जहाँ से आपको टिकट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के अपना टाइम बिता रहे हैं। ड्यूटी का टाइमिंग है दोस्तों 9:30 बजा हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी चिंदी मार्केट जा रहा था, यहाँ पे एक भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, अब हम भी इनके पास थोड़ा बैठ के इनसे बातचीत करते हैं। और भाई आपका नाम क्या है? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता, अजय गुप्ता जी हैं, और ये भी हैं। अच्छा यूपी से, यूपी में कहाँ से? सुल्तानपुर। अच्छा ये सुल्तानपुर से है, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो अभी यहाँ पे बैठे क्यों हैं? यहाँ पे एकदम बस ऐसे हवा पानी ले रहे हैं। हवा पानी ले रहे हो, अभी जा कहाँ रहे हो? जा रहे हैं काम पर जाने हैं, आज संडे है, ये एडवांस में काम करना है। अच्छा तो आज संडे था तो इनको भाई साहब को काम पे जाना है। तो फिलहाल अभी ये देखो यहाँ इनके हाथ में बैग है और यहाँ पे बैठे हैं। काफ़ी टाइम से आप मुझे यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब संडे को ऐसे ही टाइम पास हो जाता है क्या थोड़ा बहुत? नहीं ऐसे ही टाइम, संडे दिन काम नहीं रहता है, स्पेशल काम रहता है, बुलाया जाता है। अच्छा अच्छा, आप काम क्या करते हैं सर वैसे? गारमेंट इंडस्ट्री में। गारमेंट इंडस्ट्री में कपड़ा वगैरह पैंट बनता है फार्मल का। अच्छा अच्छा, फार्मल पैंट वगैरह बनता है, भाई साहब वहाँ पे काम करते हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी हम भी चलते चिंदी मार्केट में, भाई साहब बैठे थे, हम भी वीडियो बना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं कहा कि थोड़ा सा भाई साहब से बातचीत किया जाए। वैसे एक बात है कि यूपी के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, यूपी वगैरह के बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे इस तरह से बैठे थे। और अभी आपका रूम कहाँ पे है? रूम फिनिक्स मॉल के बाजू में। अच्छा फिनिक्स मॉल वीआईपी एरिया है भाई, वो तो फ्लैट में है क्या? नहीं फ्लैट नहीं है, चार्ज में ही। कितना भाड़ा वगैरह किधर है फिनिक्स मॉल के आसपास? 5,500। 5,500 में है ना। तो वहाँ से आप कहाँ पे काम कहाँ पे है आपका? इधर चेंबूर कॉलोनी के पास। अच्छा चेंबूर कॉलोनी के पास, पर यहाँ से उतर के क्यों आप जा रहे हैं? आगे बस मिलेगी क्या? हाँ आगे बस मिलेगी। अच्छा अच्छा, बस से फिर जाएंगे, बस पकड़ के उधर से जाएंगे। इधर से क्या सुबह जाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, और बाकी उधर बैठे बैठे काम रहता है तो 12 घंटे काम रहता है, तो इधर सुबह टाइम पैदल आते हैं उधर से 2 किलोमीटर। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं ना, आराम करते रहते हैं वहाँ पीछे, देखिए आपके। नहीं आज संडे है इसलिए बैठे हुए, थोड़ा गर्मी लगी पैदल आने। हाँ वाकई गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है भाई साहब, इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी, अभी 9:30 बज रहा है, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है कि पसीने से पूरी बॉडी ऑलमोस्ट भीगी गई है क्या भाई जाना। ओके शुक्रिया गुप्ता जी, चलते हैं मैं। तो बाकी दोस्तों यहाँ पे भी देखिए इस तरह से लोग आराम करते रहते हैं। अभी ईस्ट में था तो ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और ये पूरा अंडरग्राउंड ब्रिज है। यहाँ पे कुछ मैडम वगैरह भी दोस्तों इस तरह से छोटा छोटा सा दुकान वगैरह जगा रखी, बाकी कुछ मोहतरमाएँ हैं जो इस तरह से मांगती रहती हैं। अभी सुबह का टाइम है तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको दुकानें नहीं दिख रही ये अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे, नहीं यहाँ पे आपको ना चारों तरफ से भाई साहब पूरी दुकानें ही दिखी रहती हैं। बाकी कुछ लोगों के कारामात भी देखिए, आते जाते खाते हैं गुटखा और इधर ही थूकते हुए पूरा जहाज करके किनारे किनारे से पूरा रंगीनी मचा दी है। खैर ठीक है यार, अब जब गुटखा जो खाएंगे थूकेंगे कहाँ, तो ऐसे ही जगह खोजते हैं। मारो पिच पिच पिच, जुबा है केसरी। यार दोस्तों अभी हम जस्ट कुर्ला स्टेशन से बाहर निकले हुए हैं, जैसा कि दोस्तों ये सामने की तरफ देख रहे हैं ये पूरा कुर्ला स्टेशन वगैरह। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सर्विस है यार, इसको कहते हैं यूमा। यूमा बोलिए दोस्तों, इस तरह से ना रेंट पे आप बाइक लेके जा सकते हैं और 2 रुपये पर मिनट के हिसाब से शायद इसके चार्जेस वगैरह होते हैं। यहाँ सामने की तरफ जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे यहीं पर आपको मिलेगा। ये कुर्ला वेस्ट की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं ईस्ट में था, ईस्ट से होते हुए दोस्तों मैं वेस्ट में आया हूँ। और ये वेस्ट का दोस्तों आप क्राउड देख सकते हैं, अभी सुबह के टाइम है तो इस वजह से यहाँ पे उतनी ज़्यादा अभी दुकानें वगैरह ओपन नहीं है, लेकिन ये स्टेशन है सामने की तरफ और इधर से दोस्तों पूरा इसे किनारे किनारे से आपको दुकानें वगैरह देखने को मिलेंगी। फिलहाल अभी मैं चिंदी मार्केट की तरफ जा रहा था तो मैं कहा यार ये सारी चीज़ें फिलहाल मैं आपको दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से ना मोबाइल की एसेसरीज वगैरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी। बाकी स्टेशन के बाहर ही दोस्तों इस तरह से आपको बैग वगैरह और इधर भी आपको कपड़े वगैरह मिलेंगे, काफ़ी सस्ते होते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ कुर्ला के बस स्टैंड पे। इसी तरह से आप पैदल
थोड़ा सा आगे की तरफ चल के जाना पड़ेगा चिंदी मार्केट के लिए, और इधर किनारे किनारे से इस तरह से पूरी लाइन वगैरह बस की लगी रहती है। मतलब अमूमन आपको कहीं पे भी जाना है यहाँ से मोस्टली बस वगैरह मिल जाती है यहाँ पे। इस तरह से आप लाइन में लगने के लिए ये बनाई गई है कि आराम से यहाँ पे आप लाइन में लगें, क्योंकि आपको पता है भाई साहब मुंबई में कितनी ज़्यादा पब्लिक और कितना ज़्यादा क्राउड रहता है। तो मुंबई में अभी भी यार 8 रुपये का वड़ा पाव आप सोच सकते हैं। बाकी ये देखिए दोस्तों, रायगढ़ वड़ा पाव के नाम की जगह है, समोसा यहाँ पे 5 रुपये का, वड़ा पाव 8 रुपये का, और ये वड़ा पाव भी हमने लिया है दोस्तों 8 रुपये का। फिलहाल ये वड़ा पाव खाते हुए हम चिन्नी मार्केट की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह है, आपको तो पता है भाई साहब मुंबई में संडे के दिन आप किसी भी जगह पर रहेंगे जो रूम वाले होंगे वो 10 या 11 बजे से पहले भाई वो उठेंगे ही नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो मुझे अर्जी मारने वीडियो शूट करने जाता हो तो भाई अपने को उठना ही पड़ता है, क्योंकि हम आपको यहाँ का माहौल वगैरह दिखा सकते हैं, क्योंकि संडे की हुई सिर्फ अपनी छुट्टी रहती है भाई। जाप फिर से छोड़ना है यार अपने को, देखते हैं कब छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ के ना फिर से एक बार दुनिया घूमना है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं चिंदी मार्केट तो पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद यार अपने साथ एक कांडी हो गया। कांडी ये हो गया कि अभी इन्होंने बोला कि ये जो चिंदी मार्केट है वो करीबन 2 बजे के आसपास खुलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको चिंदी मार्केट के आसपास का ही मार्केट दिखा देता हूँ। ये पूरी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सब्जी मंडियाँ हैं भाई साहब, पूरा सुबह सुबह यहाँ पे पूरी इस तरह से मंडी वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे प्याज है, आलू है, और इधर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह में भी हैं काफ़ी कुछ, और इधर भाई साहब प्याज वगैरह बेच रहे हैं। और इधर ही जो रोड है दोस्तों, इसी रोड के किनारे किनारे पूरा चिंदी मार्केट जगता है, करीबन 2 बजे के बाद जगना स्टार्ट होता है, और स्पेशली संडे के दिन, और आज संडे का दिन है भी। यहाँ पे भी कुछ सर वगैरह ये गाय चिंदी वगैरह भैया, कितने का है ये? कितने का है ये? 50 का। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 50 रुपये का है। अच्छा चिंदी मार्केट इसी कहते हैं चाचा, ये चिंदी मार्केट कितने बजे से जगना स्टार्ट होगा? कितने बजे से स्टार्ट होगा चिंदी मार्केट? 2-3 बजे से। 2-3 बजे से होगा ना। बाकी आपके पास सिर्फ लोअर ही है क्या? लेडीज़ का है। अच्छा ये भी लेडीज़ का है। तो फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं, अभी मैं चिंदी मार्केट में घूम रहा था, ये 50 रुपये का लोअर है। और यही यही पूरा चिंदी मार्केट है या कोई कहीं और भी है? कल्पना के पास जाओ, क्या चाहिए आपको? हमें मतलब ऐसे मार्केट देखना था, चिंदी मार्केट देखना था भाई। कहाँ? कल्पना किधर पड़ता है? कल्पना? हाँ कल्पना, यहाँ से सीधा जाएंगे ना। हाँ यहाँ से किधर भी रिक्शा पकड़ेंगे तो तुम्हारा कल्पना छोड़ो। वो भी चिंदी मार्केट ही है क्या? हाँ उधर पे है ना, बगदाद मार्केट में। अच्छा बगदाद मार्केट बोलते हैं। हाँ। बाकी ये कुर्जा का यही है चिंदी मार्केट है। तो यहाँ पे लोग चालू है। हाँ हाँ, क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है नुमैड खान। नुमैड खान, हाँ सर्च करिए। जैसा कि अभी भाई साहब दुकानें उतनी ज़्यादा नहीं लगी हैं, बाकी यहाँ पे भी कुछ पैंट वगैरह भाई बेच रहे हैं। ये चिंदी से ही स्पेशली बनाया जाता है। कितने का भैया ये? 250 का दो है क्या? वो गया अंदर। अच्छा 250 का दो है। अच्छा आप भी कपड़ा ही देख रहे थे क्या? ये पूरा चिंदी मार्केट ही है ना? अभी जगह नहीं है तो बाजार, और पूरा जगह नहीं है ना, लोग संडे को ही आता है, बाकी दिन ये लोग नहीं आता है। अच्छा सिर्फ और सिर्फ जुमरात और संडे। तो इस तरह से फिलहाल जैसे यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है, और बाकी इसी मार्केट में देखो भाई साहब किस तरह से पूरा कचरा लोगों ने मचा रखा है, पूरा डेंजर तरीके से फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पूरा कचरा मचा हुआ है। चिंदी मार्केट का दोस्तों ये मार्केट है, और किनारे किनारे से कपड़े वगैरह की दुकानें हैं, उनकी दुकानें उनके सामने ही दोस्तों ये पूरा चिंदी का दुकान लगता है। तो फिलहाल मैं आपको ये के चलता हूँ यहाँ की सब्ज़ी मंडी में, अभी चिंदी मार्केट जगने में काफ़ी टाइम है, तो इसी बहाने फिलहाल हम यहाँ का सब्ज़ी मंडी वगैरह देखते हैं। क्या हाल है भाई जान? बढ़िया। ये चिंदी मार्केट के नाम से ही जाना जाता है ना एरिया? और बाकी ये भी अंदर जो जा रहे हैं वो भाजी मार्केट है। ये पूरा भाजी मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है क्या? मतलब ये होलसेल मार्केट है या इसे रिटेल में ही है? रिटेल में ही है, सुबह होलसेल रहता है। अच्छा सुबह होलसेल और बाकी दिन भर रिटेल में रहता है। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से पूरा मार्केट। अच्छा था नींबू कैसे है? 20 का 4, 20 का 5। अच्छा ये 20 का 4 है, ये 20 का 5 है, पर ये तो अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से सर नींबू वगैरह बेच रहे हैं। बाकी ये वाले नींबू कैसे भैया? 20 का 3। अच्छा 20 का 3 है, 20 का 3, 20 का 4, 20 का 5 है, और बाकी ये 20 का 6, 10 का 4। अच्छा 10 का 4, 20 का 8 ये वाला, और बाकी ये जो सूखी हुई है? हाँ 1 रुपया, 1 रुपये में आओ और लेके जाओ, हाँ छुट्टा कुछ भी हो काम हो जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों ये पूरा मार्केट वगैरह है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। वैसे गर्मी के टाइम में भाई नींबू तो कुछ ज़्यादा ही आपको मिलेगा, और ज़रूरी भी है भाई नींबू, पानी जितना ज़्यादा पी सको पियो, क्योंकि बॉडी से ना भाई सब पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है, वो अपने बॉडी को थोड़ा बहुत मेंटेन करेगा।
सब्जी मंडी वगैरह है दोस्तों, ये देखेंगे अभी यहाँ पे कच्चा आम वगैरह, इस तरह से तुरैया वगैरह भी और सहजन वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है। और अगर हम मार्केट के अंदर चाहिए तो कुछ इस तरह से यहाँ के मार्केट का माहौल है, देख सकते हो दोस्तों, पूरा इसी तरह से सब्जी मंडी वगैरह। यहाँ पे हरी सब्जी भाई बेच रहे हैं, धनिया वगैरह है और यहाँ पे प्याज वगैरह है, और काफ़ी सारी मैडम वगैरह यहाँ पे स्पेशली सब्जी वगैरह लेने के लिए आई हुई हैं। तो इस तरह से ये मार्केट दोस्तों ना काफ़ी छोटा सा ही है लेकिन काफ़ी बढ़िया मार्केट है भाई साहब। यहाँ पे देखो बहुत सारे मिर्चा कैसे भैया? अच्छा ये 20 का पाव मिर्चा है अभी। तो इस तरह से फिलहाल ये पूरा मार्केट का माहौल है जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और मार्केट दोस्तों इसी तरह से है लेकिन ठीक है, काफ़ी शानदार मार्केट है। इस तरह से कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं चिंदी के। कैसे सर ये? हाँ सर, सब अलग अलग है क्या? तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों ये लेडीज़ों के चिंदी कपड़े हैं, सूट वगैरह के छोटे छोटे कतरन, इस तरह से ये देख सकते हैं। ये चिंदी मार्केट का फिलहाल दोस्तों इस तरह से माहौल है, मतलब आपको साइज जितना बड़ा साइज कपड़े का रहेगा उस हिसाब से प्राइस रहेगा। बाकी यहाँ पे भी देखिए पूरा लोअर वगैरह है, पूरा सेकंड हैंड है। और अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है ना, जो कतरन वगैरह होता है दोस्तों वो काट के, जो कतरन वगैरह बचता है ना तो उसको काट के सील के इस तरह से चिंदी मार्केट में बेचते हैं। और कपड़े वगैरह के भी बहुत सारे कतरन वगैरह यहाँ पर आपको बेचते हुए जो किनारे किनारे से दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों लेडीज़ कपड़े वगैरह। ये भाई साहब कैसे है ये कपड़े वगैरह? 30 रुपये का कोई सा भी? अच्छा ये सारा जो कपड़ा होता है किस यूज में आता है भाई? कुछ भी बना सकते हैं ना, सूट वगैरह या जो भी होता है। तो इस तरह से पूरा दोस्तों यहाँ पे कतरन वगैरह बेचे जा रहे हैं। ये भाई साहब भी ये पूरा जो बता रहे हैं ये सारी चीज़ें 30 रुपये की हैं, छोटा बड़ा साइज से मैटर नहीं है, सब 30 रुपये। हाँ दो दो मीटर है क्या? अच्छा काट रहे हैं क्या दो दो मीटर आप? हाँ तो फिलहाल दोस्तों ये पूरे कपड़े दो दो मीटर है और 30 रुपये के हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए यार ये तो काफ़ी सस्ते हैं कपड़े वगैरह। बाकी ये लेडीज़ के कपड़े ही हैं ना सारे? अच्छा तो इस तरह से फिलहाल जैसे चिंदी मार्केट में आपको ना कपड़े काफ़ी सस्ते मिलते हैं, कतरन ही होते हैं जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बताया ही है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी मोहतरमाएँ वगैरह दोस्तों अभी वेट कर रही हैं मार्केट वगैरह खुले तो फिर वो ख़रीदारी करें। बाकी यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कुछ न्यू कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये कपड़े वगैरह ये कितने का है सर ये वाला? 300 का। फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं ये पूरा 300 का है। और इस तरह से यहाँ पे लेडीज़ के जो कपड़े वगैरह की वैरायटियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी हैं यार, और गर्मी में स्पेशली ये काफ़ी अच्छी। 300 का ये सारे गर्मी वाले कपड़े हैं ना सर आपके पास अभी ना? तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं यहाँ पर जो कपड़ा देख रहा हूँ सर गर्मी वाले ही कपड़े हैं और काफ़ी प्यारे प्यारे कपड़े हैं। इस तरह से ये देखो यहाँ पर क्या कहते हैं सर इस कपड़े को, क्या बोलते हैं इसको? होजरी। हाँ ये देखिए दोस्तों इस तरह से होजरियाँ हैं, 300-300 रुपये का भाई बता रहे हैं, मतलब बढ़िया है यार पूरा, मतलब शर्ट नुमा है काफ़ी अच्छा अच्छा है, काफ़ी मतलब गर्मी के टाइम पे काफ़ी मतलब रिलैक्स वाला हिसाब किताब रहेगा अगर आप इस तरह के कुछ ये चीज़ें। बाकी यहाँ पर भी मैं अभी जस्ट आगे निकल जाऊँ, ये भी पूरा चिंदी मार्केट का ही एरिया है, यहाँ पर भी देखेंगे पूरा लेडीज़ कपड़े वगैरह का ही कार्नर वगैरह, यहाँ पे भाई दुपट्टा वगैरह बेच रहे हैं। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे आपको इस तरह से फ्रूट वगैरह की दुकान दिखाई देंगे। हाँ यार ठीक है, ये मार्केट काफ़ी अच्छा जगह, मुझे मैं पहली बार यहाँ पे आया, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपको चिंदी मार्केट दिखाऊँ लेकिन कभी संजोग नहीं बन सका कि मैं आपको चिंदी मार्केट में जाऊँ और यहाँ का आपको माहौल वगैरह दिखाऊँ। और यहाँ पर देखिए इस तरह से किनारे किनारे से बुर्का वगैरह के शॉप्स वगैरह हैं, ये भी देखिए दोस्तों लेडीज़ वगैरह के, ये बाकी बच्चों के आइटम के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है इस तरह से। तो इस तरह से फिलहाल इस यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट है, और अभी जब 2:30 या शाम का टाइम होगा तो ये रोडों पे इस तरह से किनारे किनारे से वो जो कतरन वगैरह है मिलेंगे। बाकी यहाँ पे भी कुछ इस तरह से जस्सी वगैरह, जस्सी देना सर एक। तो फिलहाल सर गर्मी के टाइम में घूमू पसीना इतना हो तो बस जस्सी ही सहारा है। कितने का सर? बस 15 रुपये। 15 रुपये की जस्सी है, और वाह काफ़ी बड़े गिलास में सर काफ़ी बढ़िया क्वान्टिटी में दे रहे हैं, ऐसा कैसे सर? परोड़ता है क्या? अच्छा चीज़ है, टेस्ट भी अच्छा है। गर्मी सर अभी कुछ ज़्यादा है या? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गर्मी। मैडम क्या इनको कड़क नोट चाहिए सर? नोट तो अच्छे ही है ना, कड़क और क्या है नरम। हाँ नोट तो कौन सा नोट, सब तो नोट ही है, 50-50 ही कह जाएगा, चाहे कड़क हो चाहे नरम हो। एक बार की
हाँ गर्मी की वजह से और ख़राब हो जाता है। सही बात, हाँ मैं समझ सकता हूँ। बाकी पसीने की वजह से यार नोट पॉकेट में रखने से काफ़ी ख़राब होता है, इसीलिए जो कड़क नोट मांग रहे। आपका नाम क्या है सर? मोहन सिंह। अच्छा मोहन सेठ, मोहन सिंह, मोहन सिंह जी हैं। और यहाँ पे ये छाछ वगैरह और जस्सी वगैरह बेच रहे हैं और मैडम भी पी के जा रही है। तो हम भी दोस्तों पहले पी लेते हैं, वैसे जस्सी का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, अगर आप भी पीना चाहते हैं। कौन सा एरिया है ये? ये न्यू मिल रोड है। हाँ दोस्तों, इस तरह से अभी हमने आपको चिंदी मार्केट का कुछ माहौल वगैरह दिखाया, वहाँ पे दुकानें वगैरह दिखाई और किस तरह से वहाँ पे ये लोग मतलब आप लस्सी वगैरह सही करते हैं दिखाया। बाकी यहाँ पे अभी देखेंगे तो लगभग 11:30 बज चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे दुकानें ओपन नहीं है। हो सकता है संडे की वजह से बंद हो, मुझे नहीं पता यहाँ पे संडे बनती रहती या नहीं। यहाँ पे मुझे मेडिकल शॉप्स खुली हुई दिखाई दे रही, बाकी ज्वेलर्स वगैरह की दुकानें अभी बंद है। बाकी अभी मैं इसी तरह से आगे पैदल चलते हुए दोस्तों जाने वाला हूँ जरी मरी की तरफ, वहाँ पर भी चल के मैं आपको कुछ वहाँ का माहौल वगैरह दिखाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।